الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा एहसान फरमाया, करम फरमाया कि उसने हमें और आपको अपने पाक घर में आने की तौफीक अता फरमाई और कुछ कहने और सुनने की भी तौफीक अता फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 3 आयात पढ़ी हैं, उन 2 आयतों का बयान तो गुज़श्ता जुमे में हो चुका है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने ये बयान फरमाया है कि फलाह याफ्ता मोमिनीन कौन है, कामयाब मोमिनीन कौन है, फलाह पाने वाले मोमिनीन कौन हैं। उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहली सिफत बयान फरमाई थी कि फलाह याफ्ता मोमिनीन वो है जो अपनी नमाजों में खुशु इख्तियार करते हैं। इसके मुताल्लिक यानी पहली सिफत के मुताल्लिक बयान हो चुका है। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरे नंबर पे जो सिफत बयान फरमाई है कि फलाह याफ्ता मोमिनीन में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो सिफात होनी चाहिए, उसमें दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाई वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिज़ून कि फलाह याफ्ता मोमिनीन वो हैं, कामयाब मोमिनीन वो हैं जो लग़्व बातों से अपने आप को बचाते हैं, बेकार की बातों से अपने आप को बचाते हैं, बेहुदा बातों से अपने आप को दूर रखते हैं, ये मोमिनीन कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं। अगर कोई शख्स उनसे बेहुदा कलाम करता है, अगर कोई शख्स उनसे बेकार की गुफ्तगू करता है तो वो उससे उलझते नहीं है, वो उसको जवाब नहीं देते हैं बल्कि चुपचाप किनारा कश हो जाते हैं और उनकी गुफ्तगू को भूल जाते हैं कि फला ने मेरे साथ क्या किया है, फला ने मुझे गाली दी है, फला ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, उसको भूल जाते हैं और सब्र करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने एक जगह कुरान करीम ने बयान भी फरमाया है कि जो शख्स सब्र करता है किसी तकलीफ पर और किसी की हरकत को अगर किसी ने उसके साथ नाइंसाफी की है तो उसको माफ कर देता है तो ये बड़ा हिम्मत का काम है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाब मोमिनीन की एक ये सिफत बयान फरमाई है कि वो बेकार कामों में उलझते नहीं है, बेहुदा कामों में उलझते नहीं है, अगर कोई उनको तकलीफ पहुंचाता है तो सब्र करते हैं, उसको उसका जवाब नहीं देते। एक वाकया है छोटा सा, शेखुल इस्लाम मजहब मुफ्ती तकी दावत बरकातुहुल आलिया अपनी किताब में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने ये वाकया सुना है। वो बयान फरमाते हैं कि दिल्ली की जामे मस्जिद में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं माजी करीब के, तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब फरमा रहे थे, बा मजमा इकट्ठा था, उनके मानने वाले थे और बहुत मजमा जमा हुआ था। किसी ने मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने दरमियान में जोर आवाज से यह कहा कि आप बहुत ही गलत बात कही कि आप हराम जादे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। आप मजमा बैठा हुआ था, आपके मोतमदीन बैठे हुए थे, आपके मानने वाले बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब नहीं दिया, वो तो शाही खानदान से थे, शहजादे थे,
वो चाहते तो उसको सजा दिला सकते थे, उसका बदला ले सकते थे। उन्होंने मुखलिसाना अंदाज में कहा कि आप तक ये खबर गलत पहुंची है, मेरी वालिदा के निकाह के वक्त जो गवाह मौजूद थे आज वो दिल्ली में मौजूद हैं। इतना कहकर वो खामोश हो गए। तो ये किसका तरीका है? ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन का तरीका है कि जब किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई गाली देता है, कोई ज्यादती करता है, तो उसको माफ कर दिया जाए, दरगुजर कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उस बात को भुला दिया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है कि जो शख्स दुनिया में किसी को माफ फरमा दे, अगर कोई शख्स किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई शख्स किसी के ऊपर ज्यादती कर रहा है, तो अगर वो दुनिया में उसको माफ कर देता है तो अल्लाह तबारक बताना उस दिन उसको माफ फरमा देंगे जिस दिन उसको माफी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वो कयामत का दिन। और अल्लाह तबारक बताना को ये बात बहुत ज्यादा पसंद है जो लोगों को माफ कर देता है। और इसका नतीजा क्या होगा? जो लोगों को माफ करता है, उसकी आदत होती है माफ करने की, तो अल्लाह तबारक बताना फरमाता है कि हम भी उसको माफ फरमा देते हैं, हम भी उसके गुनाहों को दरगुजर कर देते हैं। एक शख्स किसी बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि बुजुर्गों की अलग अलग शान होती है, औलिया इकराम की मुख्तलिफ शानें हुआ करती है, मैं देखना चाहता हूं कि बुजुर्गों की क्या शान हुआ करती है। उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम कहां चक्कर में पड़े हो, अपने काम से काम रखो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। तो सबने इसरार किया, जिद की कि नहीं, मुझे ये शान देखनी है बुजुर्गों की, क्या शान हुआ करती। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो दिल्ली की फला मस्जिद में जाओ, वहां तीन बुजुर्ग बैठे हुए होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे होंगे, जिक्र अज़कार में मशगूल होंगे, और जाओ उन तीनों बुजुर्गों की पुष्ट पर एक मुक्का मारो। चुनांची ये शख्स गया, जब पहले बुजुर्ग के पास पहुंचा और वहां गया तो बुजुर्ग जिक्र अस्कार कर रहे थे। इस शख्स ने उन बुजुर्ग की पुष्ट पर यानी पीठ पर एक मुक्का मारा। उन बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो जिक्र अस्कार में लगे रहे, ये इंतजार कर रहे हैं, हो सकता कुछ कहें, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ये शख्स दूसरे बुजुर्ग के पास गए, वहां पहुंचे, उसके भी एक पीठ पर मुक्का मारा, तो उन्होंने भी जवाबन जितना उन्होंने मुक्का मारा था पलट कर उन्होंने बुजुर्ग साहब ने उसके एक मुक्का मारा और फिर अपनी इबादत में लग गए। जब तीसरे बुजुर्ग के पास पहुंचे, उसकी भी पीठ पर मुक्का मारा, तो वो भी पलटे और उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को सहलाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे चोट तो नहीं लगी। तो ये बुजुर्गों की अलग अलग शानें हुआ करती हैं। फिर वो वापस आए इन्हीं बुजुर्ग के पास और फरमाया कि मैंने तो अजीबोगरीब मामला देखा, मैंने तो जब पहले बुजुर्ग को मारा तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, पलट कर देखा भी नहीं, और दूसरे को जब मारा तो उन्होंने उतना ही जोर से वैसे ही मुक्का मारा जैसा कि मैंने मारा था, और तीसरे बुजुर्ग के पास गया और उन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ को सहलाने लगे। तो उन्होंने फरमाया कि यही बुजुर्गों का तरीका होता है कि जब उनके साथ कोई नाइंसाफी करता है तो उसको वो दरगुजर कर दिया करते हैं, उसको माफ कर दिया करते हैं, अगरचे शरीयत ने इजाजत दी है, शरीयत ने ये इजाजत दी है कि जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ कोई करे तो उतनी ज्यादती तुम कर सकते हो। तो उन्होंने फरमाया कि पहले बुजुर्ग की ये मिसाल है, पहले बुजुर्ग की ये मिसाल है कि अगर कोई बादशाह किसी शख्स को बुलाए और उस शख्स से कहे कि तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ, तुमको बहुत बड़ा इनाम देंगे और इतना सा वक्त तुम्हारे पास है, इसी वक्त के अंदर तुमको मेरे पास आना है, अगर तुम आ गए तो तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब ये शख्स दौड़ता हुआ बादशाह के पास जा रहा है इनाम लेने के लिए।
अब रास्ते में अगर उसको कोई मिले और उसके एक मुक्का मार दे या कोई तकलीफ पहुंचा दे, बेबा उससे उलझेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बल्कि उसकी यह फिक्र होगी कि किसी तरीके से मैं बादशाह के पास पहुंच जाऊं और मैं अपना इनाम हासिल करूं। वो वहां उस शख्स से उलझेगा नहीं रास्ते में, उसको किसी भी तरह की अगर कोई तकलीफ पहुंचेगी रुकेगा नहीं, बल्कि बादशाह की खिदमत में पहुंचने की जल्द अज जल्द कोशिश करेगा कि मुझे इनाम मिलने वाला है। तो फरमाया कि यही उस बुजुर्ग की मिसाल है कि वो अल्लाह की याद में और अल्लाह के जिक्र अज़कार में इस तरह खोया हुआ है, अब वो इस तरह अल्लाह की तरफ से इनाम लेने का ख्वाहिशमंद है और वो ये गौर कर रहा, वो सोचता है कि मुझे दुनिया के अंदर कोई भी सताए, मुझे दुनिया के अंदर कोई भी तकलीफ दे, मुझे दुनिया के अंदर कोई भी रुकावट आए, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी चीज में उलझूंगा नहीं, बल्कि अपने मौला की तरफ अपना ध्यान रखूंगा। और फरमाया कि जो दूसरे बुजुर्ग थे उन्होंने इस बात पर अमल किया कि शरीयत ने चूंकि इजाजत दी है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करता है तो उसी तरह की ज्यादती उतनी ही ज्यादती तुम उसके साथ कर सकते, तो उन्होंने उस पर अमल किया। और तीसरे जो बुजुर्ग थे उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़क़त की एक सिफत पैदा कर दी थी, मोहब्बत का एक वस्त पैदा कर दिया था, इसीलिए उन्होंने हाथ पकड़ा और सहलाने लगे कि तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो ये बुजुर्गों की अलग अलग शानें हुआ करती हैं और ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका हुआ करता है, लेकिन जो सबसे अफजल तरीका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो यही है कि हम लोगों को दरगुजर कर दें, लोगों को माफ कर। आज हमारे मुआशरे के अंदर क्यों खराबियां आ गई हैं, हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदान में हमसे मिलने जुलने वालों से क्यों दूरियां हो रही हैं, क्यों दुश्मनियां पैदा हो रही हैं, इसीलिए कि अगर हमारे साथ कोई जरा सी ना इंसाफी कर देता है तो हम ये सोचते हैं कि इस किस तरीके से इसका हम बदला लें। हम माफ करने को नहीं सोचते कि चलो ठीक है माफ कर दो, बदला लेने में वक्त भी जाया होगा, पैसा भी खर्च होगा, दुश्मनी भी पैदा होगी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम इससे बदला लें और बदला लेने में हम उससे डबल उससे बदला लें। तो आज हमारे दरमियान जो बुराइयां फैली हुई है, दुश्मनियां और रंजिश फैली हुई, उसका नतीजा यही है कि हमारी फिक्र ये रहती है कि हम किस तरीके से उसको उसके ऊपर उसका बदला ले लें, बल्कि माफ करने की हमारी आदत नहीं है। जबान से गुनाह जो हो रहा है आज हमारी जबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो जबान से गुनाह होता है वो झूठ का बोलना है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जो शख्स झूठ बोलता है तो फरिश्ता झूठ की बदबू की वजह से एक मील उस बंदे से दूर हो जाता है। झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि फरिश्ता जो होता है बदबू की वजह से, झूठ की बदबू हमको नहीं महसूस होती है लेकिन फरिश्तों को महसूस होती है कि झूठ की वजह से वो फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है। और फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सच बोलता है, सच बोलना नेकी के रास्ते को दिखाता है, सच बोलना नेकी के रास्ते की तरफ ले जाता है और नेकी का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। और जो शख्स बराबर सच बोलता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम सच्चों में लिख देते हैं। और फरमाया जो शख्स झूठ बोलता है तो झूठ जिसको फजूर की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है, और वो शख्स बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि उसका नाम कज्जाब में लिख दिया जाता है, झूठ में लिख दिया जाता है। तो जबान से आज हमारी जबानें कंट्रोल नहीं, जबानों से हमारे ऐसे ऐसे कलिमान निकल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हम हमारी जबानों से निकल जाती है कि दूसरे वाला दूसरा सामने वाला खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। सबसे पहला जो गुनाह है, सबसे बड़ा जो गुनाह है वो झूठ है। और दूसरा गुनाह जो आम हो चुका है वो गीबत है। गीबत आज के दौर में आम हो चुकी है कि हमारे सामने तो हमारी जैसी बातें हैं और जब उनके सामने गए तो उनकी जैसी बातें हैं। मुनाफिकाना चाल, मुनाफकत आम हो चुकी है कि हम जब फला के पास जाएंगे तो उसको खुश कर लेंगे और जब हमारे पास आएंगे तो हमको खुश कर लेंगे, यह आज आम हो चुका है। मेरे दोस्तों तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं और इन गुनाहों की बुनियाद ये जबान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया जब सुबह बंदा उठता है, सुबह आदमी उठता है तो ये जबान
सारे आजा जबान से पनाह मांगते और सारे आजा जबान से कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप तुम ठीक रहना, क्योंकि हम सब तुम्हारे ताबे हैं। अगर तुम ठीक रहोगी तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर तुम खराब हो जाओगे तो हम भी खराब रहेंगे, हम भी बिगड़ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफ़िकत की 3 अलामतें हैं। फरमाया कि जब वादा करे तो वादे को निभाए नहीं, वादा कर ले और वादा खिलाफी कर ले, वादा पूरा ना करे, जब बातचीत करे तो झूठ बोले, जब बातचीत करे तो बार बार में झूठ बोलता है, ये मुनाफ़िकत की अलामत है। और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत। इन सब में जो सबसे आम बीमारी आज के मुसलमानों में है वो निफाक की बीमारी। मुनाफ़िकत फैल चुकी है और मुनाफ़िकत ही की वजह से दुश्मनियां आम होती जा रही हैं, दूरियां होती जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आए हुए हैं और आपको आसमानों के ऊपर ले गए। वहां जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि कुछ मर्द और कुछ औरतें अपने पिस्तानों के बल लटके हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरिश्तों से पूछा ये क्या माजरा है तो फरमाया कि ये अपनी जबान के जरिए से और अपने आंख के इशारों के जरिए से गीबत किया करते। एक तो जबान से गीबत है और एक आंख के इशारों के जरिए से गीबत है। वो अपने पिस्तानों के बल लटके हुए हैं सजा के तौर पर। और फरमाया कि ये मामला इनके साथ कयामत तक चलता रहेगा। एक और हदीस में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आए हुए हैं, वो आपको आसमानों के ऊपर ले गए और आपने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा हुआ है। जो खड़ा है उसके हाथ में लोहे का एक हथियार है और उस हथियार से उस बैठे हुए शख्स का कल्ला चीर रहा है और उस कल्ले की गुद्दी तक चीर देता है। जब वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद वो दूसरा कल्ला चीरता है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको ठीक कर देते हैं। जब वो ठीक हो जाए फिर यही मामला शुरू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरिश्तों ने फरमाया ये क्या बात है, ये इनको क्यों सजा हो रही है? तो फरिश्तों ने फरमाया ये दुनिया के अंदर झूठ बोला करता था और लोगों की गीबत किया करता था और ये मामला इनके साथ कयामत तक चलता रहेगा। इतनी खौफनाक सजा, इतना दर्दनाक अजाब, ये तो कयामत तक चलता रहेगा और कयामत के बाद जो जहन्नम में उनको सजा मिलेगी उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आज हमारे माशरे के अंदर जो दूरियां एक दूसरे में पैदा हो रही हैं, दुश्मनियां एक दूसरे में पैदा हो रही हैं, उसका उसकी एक जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे असल वजह है वो यही कि हमारी जबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। झूठ हमारी जबानों पे आम हो चुका है, गीबत हमारी जबानों से आम हो चुकी है, मुनाफ़िकत आम हो चुकी है और आज हम एक दूसरे से माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम एक दूसरे को माफ कर दें, हमारी जबान हमारे कंट्रोल में हो जाए, हम झूठ से इज्तिनाब करें, हम मुनाफ़िकत से बच जाएं। और सबसे बड़ी जो आज मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो आजकल गलती है अवाम के अंदर, माशरे के अंदर, वो निफाक है, मुनाफ़िकत आम हो चुकी है। अगर इससे हम बच जाएं तो हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाए, हमारे घरों में खुशियां आ जाएं, हमारे खानदानों में मिलाप हो जाए, जो दुश्मनियां चली आ रही हैं वो दुश्मनियां खत्म हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।